हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन ब्लैक रसगुल्ले, और बहुत इजी है इसको बनाना। तो अगर आप चैनल पर आए हो नहीं, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको भी गुलाब जामुन पसंद है मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी मावा। ये बहुत इजी है, वैसे आपको दुकान से मिल जाएगा, बट इसको हमने घर पर ही बनाया है दूध से, और फिर हमने इस मावे को अच्छे से ऐसे तोड़ लिया। ये फ्रिज में रख के ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, फिर हमने ना इसमें ना वो डाला दूध, गर्म दूध, उससे थोड़ा सा ना सॉफ्ट हुआ, फिर हमने इसको मिक्स करा दूध डाल के, तो फिर ठीक हो गया। बट जब आप मार्केट से लाओगे तो वो ठीक रहेगा, तो आपको दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहो, मिक्स 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 करते रहो इसको अच्छे से। वैसे आप बताओ कि आपको काले रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है ब्लैक या फिर वाइट वाले? मुझे तो ज़्यादा वाइट पसंद है, बट घर पे ना इतने ज़्यादा सॉफ्ट बन के आते हैं ना कि मैं ये भी खा लेती हूँ। सुबह हमने इसमें डाल दिया है मैदा, आधा कप मैदा हमने इसमें ऐड किया होगा। बाज़ार से जो आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैदा ऐड कर देते हैं, फिर ना वो सॉफ्ट नहीं बनते, पर हम बना रहे हैं घर पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, तो इससे ज़्यादा मैदा ऐड करना। और फिर हम इसमें डाल देंगे नॉर्मल खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसमें अगर आप चाहो तो इसमें आप एग भी ऐड कर सकते हो, गर्मी हो रही इसलिए हमने इसमें एग ऐड नहीं किया, फिर ना एलर्जी हो जाती है, फिर गर्म गर्म हो जाती है ना चीज़ें। बट अगर आपको पसंद है तो आप इसमें एग डाल दो, इतने ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे, मतलब मुँह में घुल जाएंगे। अगर आपको सॉफ्टनेस से भरपूर चाहिए ना, तो यू कैन ऑल्सो ऐड एग। जब हमने विंटर्स में बनाया था ना, तो हमने एग ऐड किया था, बट अब नहीं किया। फिर आपने इसके एक अच्छा सा नॉर्मल डो रेडी कर लो, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड। फिर हमें लगाया थोड़ा सा मैदा और इसमें होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल मावे का ही और मावे के रसगुल्ले बन जाए, ऐसा ही ना। तो फिर हमने और ऐड किया, और इसका मम्मी ने फिर अच्छे से इसका ना डो रेडी कर लिया। आप सोच रहे मम्मी ने रेडी कर लिया, ये नहीं बनाती क्या? मतलब मैं शूट करती हूँ, मम्मी बनाती हैं कुछ चीज़ें, मेरी बहन बनाती है कुछ, मैं बनाती हूँ। मतलब इस चैनल में जो है ना, हम सबका ही योगदान है, हम सभी कुछ ना कुछ बनाते हैं। कभी मम्मी बनाती है, मैं शूट करती हूँ, कभी बहन बनाती है तो मैं शूट करती हूँ, मतलब ज़्यादा मैं शूट करती, ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। और फिर बस यार, जब आपके अच्छे से हो जाए, फिर आपने इसकी छोटे छोटे से ऐसे गोली गोली बना के रेडी कर लेनी है। और हाँ, आपको कब पता चलेगा कि आपका डो बिल्कुल रेडी है रसगुल्ले बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए? तब इसमें आपकी गोली गोली बनाते हुए, आपकी ब्लैक गुलाब जामुन बनाते हुए टाइम आपकी इसमें, अगर बीच में ना कहीं कहीं लाइनें बने तो मतलब वो ठीक नहीं है, लाइनें नहीं बननी चाहिए। तो आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल लाइनें नहीं, बिल्कुल ये गोलू मोलू कुछ नहीं है इसमें, हमारे सारे बनकर गुलाब जामुन रेडी हैं। वाइट ब्लैक रसगुल्ले हमारे बाबा, मेरे मुँह से वाइट रसगुल्ले निकलता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। आई थिंक मुझे ज़्यादा वाइट पसंद है ना, इसलिए होता है ऐसा। फिर हम इनको ना ऐसा फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे घी में, असली घी में करना आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। दुकान वाले जो रिफाइंड में करते हैं, बट आप असली घी में ही करना अगर आपके पास हो। ये घी हमने ना घर पर ही बना रखा है, और अगर आपको इसकी विधि चाहिए कि आप घर पर ही घी कैसे बनाओ, बहुत ही ईजी है इसको बनाना, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ना पलट के अच्छे से इनको ऐसे डीप फ्राई कर लेना है रसगुल्लों को, हमारे जो गुलाब जामुन, और इनको प्लेट पर निकालो। बहुत दिन पे काला सा कलर आ चुका था, ब्लैक ब्लैक सा, तो इनको निकाल लेना है अपने। और अब हम बनाएंगे चाशनी, वो साइड में हम बनाते रहेंगे, हमने सारे बना भी लिए थे, अब हम कर देंगे चाशनी की तैयारी। यहाँ पर मैंने ले लिया करीबन 3 कप पानी, पानी हमने यहाँ पर ले लिया है, और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, करीबन 1 कटोरी चीनी, आई थिंक, नहीं नहीं 2 कटोरी चीनी है, हाँ 3 है, 3 सारी हर देश 3 कटोरी चीनी है यार। और अब क्या है, इसमें आपने जो है इसको पका लेना है, इसकी चाशनी बनानी, ज़्यादा थिक मत करना, बस आपकी शुगर मेल्ट हो जाए, बस आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। फिर ना थिक कर दोगे आप, रखने के बाद ये और थिक हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा मत करना। आप देख रहे हो इसका कलर कैसा है, अभी अभी देखना आप इसका कलर कितना चेंज हो जाएगा, देख रहे हो आप, हो जाएगा रखने के बाद चेंज। हमने इसमें कोई भी ऐसा फूड कलर ऐसा कुछ भी नहीं डाला, और बस आप क्या है, आपने आपने इसमें ब्लैक रसगुल्ले डाल देने हैं।
अगर आप बिना चाशनी के बिना खाओगे तो ये गुलाब जामुन है, वरना फिर बस यही है अपना और क्या। बस फिर अब ये वही है अपना, ये रसगुल्ला, चाशनी वाला रसगुल्ला, ब्लैक रसगुल्ला हमारे बनकर रेडी है। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, और जब आप घर पर बनाओ ब्लैक रसगुल्ला आप मुझे इंस्टा पर फोटो भेजना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस, और हम तो भाई ऐसे ही खाओ पियो, ऐसे खाने पीने की बातें करते रहते हैं, और आप लोग रेसिपीज शेयर कर देती हूँ, सब्सक्राइब करके ही जाना। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।